तो श्रावण मास का आज दूसरा सोमवार है, जिसे लेकर देश भर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिवालयों में भोले के भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो देखिए, सावन मास का आज दूसरा सोमवार है, शिवालयों में किस कदर भीड़ उमड़ी हुई है उसकी वानगी देख सकते हैं तस्वीरों में। सुबह से ही शिवालयों में लंबी लंबी कतारें लगाकर भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर हैं। सुबह से ही जलाभिषेक हो रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है और खास मंदिरों में महाआरती को लेकर विशेष तैयारियां भी आज देखने को मिली। कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर है, जगह जगह कांवड़ियों को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हरिद्वार का नज़ारा भी देखते ही बन रहा है कि देखिए कांवड़ियों में कितना ज़्यादा उत्साह है। और कांवड़ियों के साथ ही आज देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान और हर भक्त के मुख पे बस एक ही नारा है, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लगातार श्रद्धालु मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो सावन का सोमवार है और तमाम शिवालय आज गुलजार है। तो देखिए, सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की लंबी कतारें शिवालयों में लगी हुई हैं और चाहे बात उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की कर ली जाए, चाहे काशी विश्वनाथ की कर ली जाए, चाहे त्र्यंबकेश्वर नाथ की कर ली जाए, लगभग हर शिवालय में आज विशेष व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। विशेष आरती को लेकर भी आज तमाम तैयारियों को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। शिवलिंग पर लगातार श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हरिद्वार का ज़्यादा से ज़्यादा कांवड़ियों के साथ ही श्रद्धालु भी रुक कर रहे हैं और वहां का नज़ारा भी देखते ही बन रहा है। तो श्रावण मास का दूसरा सोमवार, और देखिए जैसा कि भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय महीना होता है सावन का, और ऐसे में सावन के सोमवार का विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि यहां पर किसी भी शिवालय की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिलता है और उनकी मान्यता है कि सावन के सोमवार को जो भी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि सावन मास भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। और अलग अलग ज़िलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम शिवालयों को लेकर आज किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है उसकी भी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ राजकुमार पाल हरिद्वार से, अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और फिरोजाबाद से हमारे साथ धर्मेंद्र, वहीं के शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हरिद्वार से राजकुमार पाल का रुख करना चाहेंगे। तो राजकुमार, देखिए हरिद्वार की रौनक देखते ही बन रही है और कांवड़िया भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह है, किस तरह की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और आज के खास सावन मास के सोमवार को लेकर किस तरह का उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है? देखिए मनीषा, बिल्कुल आप बताना चाहेंगे कि सावन मास का जो आज दूसरा सोमवार है उसको लेकर शिव भक्त कांवड़िया जो है हरिद्वार के सभी शिवालयों में पहुंच रहे हैं, अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल और पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में इस समय चारों ओर जो है बम बम भोले के जयकारों से जो है धर्मनगरी गुंजायमान नजर आ रही है। भगवा में नजर यहां पर धर्मनगरी को देखा जा सकता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हम बात करें तो आज हम इस समय मौजूद है हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में। ये भगवान भोलेनाथ की जो ससुराल है, मान्यता है कि पूरे सावन माह भगवान शिव जो है यहीं से रहकर पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं और भारी संख्या में जो श्रद्धालु है सुबह तड़के से ही यहाँ पर पहुंच रहे गंगा जल चढ़ाने के लिए, अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लगातार लंबी लंबी कतारों के माध्यम से यहाँ पर जो है अपने भगवान शिव को गंगा जल, फूल, बेलपत्री सब अर्पित करने की एक मान्यता है। लगातार मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं और गंगा जल लेकर अपने भगवान शिव दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर के
मंदिर में यहाँ पर जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारों के माध्यम से जो श्रद्धालु यहाँ से पहुंचने का सिलसिला जो है सुबह से ही जारी है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में जो अभी तक का आंकड़ा है 1,25,00,000 से जो ज्यादा कांवड़िए हैं गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर चेकिंग व्यवस्था अभियान चलाया हुआ है और लगातार जो हाईवे के माध्यम से जो है कांवड़ियों को अपने अपने गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जल चढ़ाने के लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ भड़ाके में रौनक है। कांवड़िए भी है, कहाँ से आए बोले? यूपी बागपत से। बहुत अच्छा, हम बार बार आते रहे। देखिए शिवभक्त कांवड़ियों में जो है खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह तड़के से ही ये नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप बात करें धर्मनगरी हरिद्वार की तो एक महत्वपूर्ण जगह जो है हरिद्वार से ही गंगा जल लेकर जो शिवभक्त कांवड़िए हैं अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना होते हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो ये आंकड़ा जो 4 करोड़ के आसपास था, इस बार जो आंकड़ा 5 करोड़ के आसपास प्रशासन के द्वारा माना गया है। अभी तक जो है 1,25,00,000 से ज्यादा जो शिवभक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में जो है इस समय जो है लगातार शिवभक्त कांवड़ियों का आना लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा जो है अपने चरम पर है। लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं और दक्ष प्रजापति मंदिर में जो है लगातार श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो देखी जा सकती है। कुछ और श्रद्धालु भी है हमारे साथ। क्या नाम है बोले? संजू। कहाँ से आए? हरियाणा से। आज यहाँ पहुंचे, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर। अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं हमारे साथ, कोई भी ये नहीं है कि भीड़ भड़ाका धक्का मुक्की कोई भी ऐसी वैसी चीजें, ठीक है ना? बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। श्रद्धालुओं को साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर हमको जो है शांति मिलती है अपने भगवान शिव के शिवालयों में जल चढ़ाने से सभी गुणों का। बिल्कुल लौटेंगे और ये नजारा आगे भी आप इसी तरह से दिखाते रहिएगा। हमारे साथ अयोध्या से के शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो के रामनगरी में आज भोले के भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहां की क्या कुछ खास तस्वीरें? जी मनीषा जी, आपको बता दें कि अयोध्या जी में भी होल बम के नारे लाग रहे हैं और श्रावण मास के आज दूसरे सोमवार के दिन भोले के भक्ति में लोग भक्त लीन है। आपको हम बता दें कि अयोध्या में नागेश्वरनाथ जो भगवान राम के पुत्र कुश थे उनके द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग पर आज भोलेनाथ के जयकारे के साथ में लगातार लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ को मनाने के लिए महिलाएं और बालिकाएं या अन्य लोग भी भोलेनाथ को बहुत जल्दी ही मानते हैं, उनके ऊपर जल कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इस समय अयोध्या जिले के बीकापुर में सप्त शिव मंदिर पर स्थित है, यहाँ पर भी लोग श्रद्धालु आकर पूजा कर रहे हैं। यहाँ के पुजारी बजरंग उपाध्याय जी हैं जो कि यहाँ कई वर्षों से भोलेनाथ की सेवा में लीन रहते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि ये कैसे भोलेनाथ की पूजा में जो श्रवण मास का स्थान है भोलेनाथ का कैसे पूजा करते हैं और कैसा लग रहा है आपको? जी जय भोलेनाथ। आज दूसरा श्रवण मास है, कैसा लग रहा है और आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, कुछ बताइए पूजा के विधि विधान कैसे होते हैं? सावन के पवित्र मास में आज सावन का दूसरा सोमवार है, सुबह से ही भक्त जल अभिषेक में लगे हुए हैं और सावन का जो पवित्र महीना है आप सब लोग हम भी जानते हैं कि ये चौमासा भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ चिन्हित्रा में चले गए हुए हैं और पृथ्वी पर सारा कारोबार भगवान शिव को समर्पित किया है और इस पवित्र माह में भगवान शिव ही सारी सृष्टि को पार लगाने का कार्य कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिर पे बिल्कुल भोर में ही श्रद्धालु करके भगवान शिव को जलाभिषेक करते हवन पूजन कर अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए भाव से लगे हुए हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु और मौजूद है जी। श्रवण मास के दूसरे सोमवार के दिन कैसा लग रहा है आपको पूजा करके? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो सब भगवान के बहुत अनन्य भक्त हैं भगवान शिव के, हम सब भगवान की भक्ति में श्रद्धा में लीन रहते हैं और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से कि हमारे समाज को, हमारे देश को और हम सबको हमेशा मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करें।
और जैसा कि हम सब लोग जानते आए हैं कि पुराणों में भी मास का बहुत महत्व है, और पुराणों में ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष प्राप्त हुआ था तो देवताओं और उन्होंने सब लोगों ने भगवान शिव से अर्चना की थी और प्रार्थना की थी कि आप इस विष को ग्रहण करें, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भगवान शिव ने उस विष का पान किया था, और उस विष को पान करने के बाद में चूंकि बहुत अधिक मात्रा में था तो उस विष को शांत करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए इस महीने में देवी देवताओं ने पूजा अर्चना की थी ताकि भगवान शिव के ऊपर वो जो विष का प्रभाव है वो कम हो सके। इसलिए भी इस महीने में जो है इस महीने का विशेष महत्व है। आपने देखा कि अयोध्या जिले में सुबह से 3 बजे भोर से ही मनीषा जी सुबह से अपनी कतार में लग करके भोले की शिव भक्ति में लोग लीन हैं। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अयोध्या जिले में लगातार भोल भंग के नारे लग रहे हैं। ठीक है, और हमारे साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से और राजकुमार पाल हरिद्वार से, फिरोजाबाद से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। तो देखिए सभी का रुख करेंगे, सभी हमारे साथ बने रहिए, अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। जैसा कि चर्चा चल रही है कि श्रावण मास का आज दूसरा सोमवार है और तमाम शिवालय जो हैं वो भक्तों के जाप से गुलजार हैं। आपको बता दें कि अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं खास तस्वीरों के साथ। अनिकेत तिवारी का रुख करना चाहेंगे जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, लखनऊ में इस वक्त श्रावण मास के दूसरे सोमवार को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? आपके आसपास क्या कुछ खास तस्वीरें? देखिए मनीषा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो तमाम जो शिवालय हैं वहाँ पर जो भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह 3 बजे 4 बजे से देखने को मिलती है। अगर मुख्यतः मनीषा अगर बात करें तो यहाँ पर मन कामेश्वर जो मंदिर है वो भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वो पहुंचते हैं। हालांकि अभी हमारी जो मौजूदगी है वो इंदिरा नगर के सेक्टर 14 में जो ईश्वरी धाम मंदिर है वहाँ पर मेरी मौजूदगी, और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो लोगों की जो संख्या है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सुबह 4 बजे से ही, भोर के समय से ही जो लोग हैं वो भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मनसा कहा जाता है कि भोलेनाथ इसलिए भोले भी हैं क्योंकि वो सबकी मुरादों को ना केवल सुनते हैं बल्कि उनकी मुरादों को पूरा भी करते हैं। और तमाम वेदों और पुराणों में कहा जाता है कि ये जो एक माह, जो सावन का जो एक माह होता है, इस एक माह में भोलेनाथ ही इस पूरी सृष्टि को कहीं ना कहीं संचालित करते हैं। तो वैसे में तमाम जो भोले के जो भक्त हैं वो इस उम्मीद से उनके पास जाते हैं, उनके शिवालय में पहुंचते हैं, उनकी जो मुराद है, उनकी जो मांग है, वो जो चाहते हैं भोलेनाथ से, वो इस सावन के माह में भोलेनाथ उनको पूरा करते हुए उनकी मुरादें पूरी करेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर बात करें जो बड़ी संख्या में तमाम जो कांवड़िए हैं वो भी कहीं ना कहीं जल और रुद्राभिषेक करने के लिए अपने अपने गंतव्य से दूसरी तरफ कहने के प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें मनीषा उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर प्रशासन की, तो किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था या कोई दिक्कत तमाम उन कांवड़ियों को ना हो उसको लेकर पूरी समुचित व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि अगर बात करें मनीषा उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वो प्रभु भोलेनाथ की नगरी कही जाती है। क्योंकि साफ तौर पर अगर बात करें तो इस समय अगर वाराणसी की अगर हम बात करें मनीषा, तो कह सकते हैं कि बम बम बोल रहा है काशी, और ना केवल काशी बल्कि समूचे पूरे भारत में आज इस पूरे एक माह के दौरान अब देखने को मिलता है कि भोलेनाथ की जो भक्ति में तमाम जो भक्त है वो सराबोर होते हुए नजर आते हैं। और साफ तौर पर जो तमाम जो कांवड़िए हैं उनको भी लेकर जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि कुछ ऐसी खबरें भी सामने निकल कर आ रही है कि जहां पर कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व भी हैं जो कहीं ना कहीं व्यवस्था को खराब करने की कहीं ना कहीं प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उसको लेकर अगर बात करें प्रशासन की, उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर पुलिस प्रशासन की, तो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में तमाम जो पुलिस कर्मी उनको तैनात किया गया है, और इसके साथ ही जहां पर भीड़ एकत्रित हो रही है वहां पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अराजक तत्व या शरारती तत्व कोई भी व्यवस्था ना बिगाड़ पाए। तो निश्चित तौर पर इस पूरे एक माह में मनीषा की तमाम जो भोले के जो बात है भोलेनाथ की जो आराधना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी स्तुति के करने के साथ ही तमाम जो अपनी जो मुरादें हैं उनको भोला समझा करें, और इसी उम्मीद से कि इस पूरे सावन के एक माह में भोलेनाथ उनकी मुरादों को पूरा करेंगे। और साथ मनीषा जो शिवालय है उनमें भक्तों की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह 3 बजे से ही भक्तों की जो लाइन है वो शिवालयों में देखने को मिलती है मनीषा। ठीक है, और हमारे साथ फिरोजाबाद से धर्मेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, फिरोजाबाद की खास तस्वीरों को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? किस मंदिर में मौजूद है, वहां की क्या कुछ खास मान्यता, और इस वक्त क्या कुछ खास तस्वीरें?
जी मनीषा मैं बता दूं आपको कि जनपद फिरोजाबाद का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसको बोला जाता है स्वाग नगर। स्वाग नगर में ये प्रख्यात मंदिर है क्योंकि प्राचीन मंदिर है, काफी कम से कम 500-700 साल पुराना मंदिर है जिसमें तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर तमाम सुबह से ही 4 बजे से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए संख्या में यहाँ पर रहते हैं। तीसरे सोमवार से यहाँ कांवड़ियों का भी आना जाना शुरू होगा। जिस तरह से ये मंदिर बताया जाता है बहुत प्रख्यात मंदिर है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से करने के लिए हमारे बीच में यहाँ महंत जी भी खड़े हुए हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से मंदिर का संचालन होता है और क्या किस तरह से वो यहाँ लोगों की आस्थाएं और किस तरह बिल्कुल धर्मेंद्र महंत जी से भी बात करें और उन श्रद्धालुओं से भी बात करें जिनमें भारी उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि आप महंत जी से पूछें कि इस मंदिर की क्या कुछ खास मान्यता है, क्या कुछ खास इतिहास है और उसको लेकर क्या कुछ जानकारी वो देना चाहेंगे। जी जरूर जरूर मनीषा, हम बताएंगे आपको इस मंदिर की जो प्रख्यातियां हैं वो क्या है। पहले तो हम जान लेते हैं कि जो महंत पुजारी जी हैं उनसे क्या है मंदिर की। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क चैनल में। और जिस तरह से आप यहाँ मंदिर में जो व्यवस्था है और इतना साल पुराना मंदिर है तो मैं जो प्रख्यातियां क्या यहाँ पर क्या किया है। माता रानी कामाख्या देवी का मंदिर है, बहुत विख्यात मंदिर है, 700-800 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, दिल्ली के आते हैं, आगरा से भी आते हैं, मथुरा से भी आते हैं, बहुत बहुत दूर तक के लोग आते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो मांगते हैं वो मिलता है, 24 घंटे में पूरा हो जाता है, जो जो मांगेंगे वो मिलता है माता रानी के यहाँ आकर के देखो जरा। जी इस तरह से कोई ऐसा अभी भोलेनाथ जी की कृपा हुई हो किसी के साथ में वो जरा बताएं। हाँ भोले बाबा, भोले बाबा की कृपा हुई है, एक लोगों के यहाँ जो बीमार थे वो भी बहुत जल्दी ठीक हो गई है, ऐसी कृपा करते हैं भोले बाबा की कोई सीमा नहीं है। मनीषा जी हमारे साथ में श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद है जिससे भी हम पहचानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से क्या नाम है जी आपका, ये बताइए जिस तरह से भोलेनाथ जी की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या भोलेनाथ जी आपने देखिए सरस्वती हर हर महादेव भी लगा रखा है, मुझे पूरा फोटो भी लगा रखा है, इतनी श्रद्धा है और क्या ऐसा लगता है भोलेनाथ जी ने कुछ अच्छा किया हो आपके सामने हमारे साथ में होती यहाँ श्रद्धालु ये बताइए कितने समय से यहाँ मंदिर आते भोले बाबा की वजह से कम कम 3 साल से आ रहा हूँ। भोले बाबा की बहुत कृपा है, व्यापार जन्म देव कन्या है आपके पास, आपको कृपा है और ऐसी बनता रहे भोलेबाबा में मंदिर है। ये हमारे बीच में तमाम ऐसी जो पहला श्रद्धालु भी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से। ये क्या नाम है राजकुमार जी, कितने समय से मंदिर में आ रहे हम तो कभी अभी इस समय तो हम यहाँ ऐसे महसूस रहते हैं यहाँ से 10-5 किलोमीटर की से आ रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कोई मनोकामना पूरी की जाती जो जहाँ मिला है वो हमें कहाँ मिला, ये सब उन्हीं की जो जो कुछ मिला है भोलेनाथ जी के कृपा से ही मिला है उनको, उन्हीं की श्रद्धालु बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से जो आस्था का प्रतीक जो मंदिर है, जो प्रख्यात मंदिर है, इसमें आवागमन लोगों का सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर को 12 बजे तक समथिंग भीड़ का ऐसा ही आना जाना रहता है। जी मनीषा बिल्कुल, और भम भम भोले के जयकारों से किस तरह से मंदिर गुंजायमान है, शिवालय गुंजायमान है और इसकी साफ तौर पर बानगी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से अयोध्या से के शुक्ला का रुख करते हुए, क्योंकि देखिए रामनगरी भी पूरी तरह से आज शिवमयी हुई है और ऐसे में हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि वहां पर कांवड़ियों के लिए किस तरह की खास व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि देखिए राम मंदिर देखने वालों का हुजूम अभी भी वहां पर उमड़ा हुआ है, तो ऐसे में कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम। जी मनीषा जी आपको बता दें कि अयोध्या पुलिस प्रशासन व अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा कांवरियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि किसी प्रकार की कांवरियों को कोई दिक्कत न होने पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही कमान संभाले हुए हैं और विजुअल माध्यम से लगातार अपडेट भी लेते रहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या कांवरियों को ना उत्पन्न होने पाए इस वजह से विशेष इंतजाम अयोध्या जिला पुलिस प्रशासन किया हुआ है। और आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर पर भी नागेश्वर नाथ पर जल चढ़ाने के बाद में लोग श्रद्धालुओं के साथ में बोल बम का नारे लगाते हुए और रामलला का भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि अयोध्या जिले में भी पूर्व
अयोध्या में राम नाम के भी गुंजायमान हो रहा है और अयोध्या में ही नागेश्वर नाथ जो है वहां पर लोग 3 बजे से ही नागेश्वर नाथ पर जल अभिषेक कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की एक त्रिनेत्र भी लगा हुआ है जो कैमरे की निगरानी में लगातार कहीं पर किसी कार्यों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पावे हर प्रकार से हर चप्पे चप्पे पर कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। मनीषा जी बिल्कुल, और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां पर पहले भी बहुत ज्यादा ऐसी मान्यताएं सुनने को मिली हैं और इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहां पर भगवान श्री राम के पुत्र कुश भी पूजा किया करते थे और जो भी भक्त यहां पहुंचते हैं अपनी मनोकामना को लेकर उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जी आपको हम बता दें मनीषा जी की यहाँ इस मंदिर की मान्यता है और लोग आसपास के जिलों में से आकर के यहाँ नागेश्वर नाथ पर जल अभिषेक करते हैं और लगातार 3 बजे सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हमारे साथ कुछ बहन भी मौजूद हैं, हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि भैया ये यहाँ आओ इधर आओ, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भोलेनाथ की पूजा कैसे करते हैं और कैसा लग रहा है श्रावण मास में। जी क्या बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा नाम रिंकी है। आज भोलेनाथ की पूजा करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हम लोग हर सोमवार आते हैं, बहुत सुकून मिल रहा है दर्शन करके। देखिए मनीषा जी, श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि भोलेनाथ के दर्शन पूजन करके काफी इनको सुकून मिल रहा है। आपको बता दें अयोध्या जिले में भी पूरा अयोध्या जिला गुंजायमान है, बोलबम के नारे लग रहे हैं, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है और त्रिनेत्र कहे जाने वाले कैमरे से भी ड्रोन कैमरे से भी ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए पूरी निगरानी की जा रही है। मनीषा जी ठीक है, सभी बने रहिए हमारे साथ, देखिए खास तस्वीरें आगे भी इसी तरह से दिखाते रहेंगे। श्रावण मास के सोमवार को भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह है उसकी भी वानगी लगभग हर मंदिर में आज देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। और देखिए सावन का आज द्वितीय सोमवार है और शिवालय लगातार भम भम भोले के जयकारों से गुंजायमान, ऐसे में खास तस्वीरों के साथ अलग अलग जिलों से तमाम सहयोगियों ने भी जानकारी दी, खास तस्वीरें भी दिखाई। लगातार हमारे साथ धर्मेंद्र भी फिरोजाबाद से बने हुए हैं। धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका रुख करते हुए कि देखिए कांवड़ियों को लेकर किस तरह की खास व्यवस्थाएं फिरोजाबाद में इन दिनों देखने को मिल रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बता दें मनीषा जी आपको कि कांवड़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जिस तरह से जितनी भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकती है उतना काम जिला प्रशासन कर रहा है। यहाँ का जिला अधिकारी और एसएसपी सारी टीम क्षेत्रीय पुलिस के साथ साथ में तमाम क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ साथ में कोई परेशानी कांवड़ियों को नहीं आए उसके लिए उनका रूट मैप तैयार करना, उनको सुविधाएं देना, जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ देखी जा रही है जनपद फिरोजाबाद के अंदर वैसी व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि सारे पूरे प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चल रही हैं। जिस तरह से सुबह से ही शाम तक यही रूट उनका रहता है और जिस जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं कांवड़ियों के वो उनके लिए कैंप भी लगाए गए। इस बार तो ये व्यवस्था की गई, तमाम तरह से समाज सेवी है जिन्होंने अपनी एम्बुलेंस बना करके यहाँ निःशुल्क छोड़ी है। प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई चीज कांवड़िया को दिक्कत होती है तो वो एम्बुलेंस का सहारा ले सकता है। ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कांवड़ियों के कहीं भी कोई समस्या नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए उसके लिए वो सुविधा बन सके। जी मनीषा जी बिल्कुल, और बिल्कुल, और आपके साथ लगातार महंत जी भी जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र, हम देख पा रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करें कि किस तरह से आज श्रावण मास के सोमवार पे भक्त जो है वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए। चल रहा है कि प्रथम सोमवार हमारा निकला द्वितीय सोमवार है और इस तरह से पूजा बतला चल रही है भोलेनाथ की शिवालय में, तमाम यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद हैं और तमाम लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से मनोकामना पूरी होती है, जो मांगते हैं वो पूरा मिलता है, भोले बाबा देते हैं उनको। बहुत अच्छी तरह से मंदिर चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है धर्मेंद्र, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास बिल्कुल। और हमारे साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए। ईशा देखिए श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है, तमाम शिवालय जो हैं वो भम भम भोले के जयकारों से गुंजायमान हैं, ऐसे में चंडीगढ़ की खास मंदिरों को लेकर क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगी, वहां पर किस तरह की खास तस्वीरें?
जी मनीषा, देखिए सावन मास इस वक्त चल रहा है और इस बार का सावन महीना इसलिए भी शुभ है क्योंकि इस बार 5 सोमवार है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सबसे पहले मैं दर्शकों को भगवान शिव के देव आदिदेव महादेव के दर्शन करवाना चाहूँगी। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, सेक्टर 16 सनातन धर्म मंदिर में मेरी मौजूदगी है और आप यहाँ पर देखिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक यहां पर किया जा रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है, बेलपत्र यहां पर चढ़ाए जा रहे हैं और क्योंकि पूरे सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि भगवान शिव को सावन महीना सबसे अति प्रिय है और इस तरीके की मान्यता है कि सावन माह में ही भगवान शिव ने विष पान किया था और विष के असर को कम करने के लिए ही इस तरीके से जलाभिषेक और दूध का अभिषेक किया जाता है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो पंडित जी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि इस बार जिस तरीके से सावन माह में 5 सोमवार आ रहे हैं, सबसे शुभ संयोग माना जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सावन को लेकर? जी जय सियाराम। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे सेक्टर 16 के सनातन धर्म मंदिर में आए हैं। यहाँ पे जो अब की बार श्रावण का महीना है, विशेष आपने पहले ही बता दिया है कि विशेष इसलिए भी है क्योंकि अब की बार 5 सोमवार आ रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य बात है कि जो भोलेनाथ ने श्रावण का महीना ही क्यों चुना, क्योंकि इसमें उन्होंने विष का पान किया था। कहते भी हैं कि विष का अगर जहर कम करना होता है तो उसका कम करने के लिए दूध चढ़ाया जाता है, इसीलिए भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। विशेष रूप से सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लोग जमा हुए हैं, आ रहे हैं, आते रहे हैं। आते तो पूरे सावन के महीने में हैं पर सोमवार में विशेष हैं। भोलेनाथ की पूजा करने से सभी दोषों का निवारण हो जाता है। विशेष रूप से जिसकी भी कुंडली में काल सर्प योग होता है या जिनके कार्य नहीं बनते हैं, बनते बनते रुक जाते हैं, वो श्रावण के महीने में भगवान की पूजा करते हैं, उससे उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आप भी पहुँचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सावन महीने को? ओम नमो शिवाय। मेरा नाम राजेश कलसी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं 20-25 वर्षों से इस मंदिर में आ रहा हूँ। उनका नाम ही भोले है। जो भी यहाँ श्रद्धालु आता है प्रेम से, उसका सब भूजे को जितने भी दोष होते हैं सब माफ़ हो जाते हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महादेव को सावन का महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आप लोग आए हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, जो सावन का महीना वो पावन महीना, 12 महीनों में पूरे पावन महीना है। इसमें श्रद्धालु जो भोले के भक्त हैं वो दूर दूर से हर मंदिरों में जाके अपना जल अभिषेक करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं, जो उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये मेरी खुद की अपना खुद की मनोकामना है कि सभी का सावन महीने में भोले बाबा सब पे कृपा बरसाए रखें। कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं भोले बाबा? भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं जी, बेलपत्र चढ़ाते हैं जी, तो इससे भगवान खुश हो जाते हैं और हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं जी भगवान भोलेनाथ। बिल्कुल, देखिए आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा देती हूँ यहाँ पर कि कितनी तादाद में जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। बेलपत्र यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं, दूध और जल से जलाभिषेक किया जा रहा है और विष पान जो भगवान शिव ने किया था, कहा जाता है कि सावन महीने में ही वो विष का पान किया गया था और उसी असर को कम करने के लिए जो श्रद्धालु हैं इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। और 2 अगस्त की अगर बात करें तो 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि भी आने वाली है, जिसको लेकर मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी है। और देव आदिदेव महादेव की अगर बात करें तो उन्हें सबसे ज़्यादा जो महादेव हैं उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और कहा जाता है कि अगर मात्र आप उन्हें जल से अभिषेक करते हैं तो वो आप पर कृपा बरसाते हैं। और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं बड़े ही श्रद्धापूर्वक यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। कांवड़ यात्रा भी यहाँ पर 22 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 2 अगस्त को जिस तरीके से शिवरात्रि है, 2 अगस्त से जो कांवड़ियाँ हैं वो जो गंगा जल लेकर आए हैं उसे जलाभिषेक जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ और साथी हमारे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय फिरोजाबाद से और राघवेंद्र मिश्रा प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभी राघवेंद्र मिश्रा के पास आते हुए, राघवेंद्र प्रयागराज में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि देखिए लगातार श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है और आज का तो दिन भी बेहद खास है, श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, वहां के खास मंदिरों को लेकर क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल मनीषा, क्योंकि सावन का माह पवित्र वैसे भी माना जाता है, भगवान शिव का महीना है ये,
क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव जो है सावन को अधिक महत्व देते हैं, अति प्रिय है सावन का मास उनके लिए, क्योंकि भगवान माता पार्वती जी ने जब तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने वरदान दिया था अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए कि सावन के महीने में ही मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो सावन का महीना वैसे भी खास हो जाता है, और विशेष करके अगर उसके साथ सोमवार जुड़ जाए तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, शिवालयों में, शिव मंदिरों में उनकी लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, जलाभिषेक कर रहे हैं, कच्चे दूध से कर रहे हैं, बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, जो भी भगवान शिव को प्रिय है, जो पूजन सामग्री खोड़सोपचार विधि से सब कर रहे हैं। कारण ये भी है कि आज दूसरा सोमवार है, अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल में ये तीन कालों का संयोग जिस प्रकार से आज बन रहा है दूसरे सोमवार को, ये भी विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह 4:17 से जो ब्रह्म मुहूर्त का समय था लगभग 46 मिनट का, उस काल में भी ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों ने अपना पूजा अर्चना की, शिवालयों में जाकर जलाभिषेक किया, जल चढ़ाया, बिलपत्र चढ़ाया। उसके बाद 6:17 से 7:50 तक जो अमृत काल का मुहूर्त था उस पर भी जो है श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने पूजा अर्चना की, क्योंकि अमृत काल के विशेष महत्व भी ज्योतिष की गणना के अनुसार बताया गया है, वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि अमृत काल में पूजा पाठ अगर करते हैं, शिव की आराधना करते हैं तो संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अमृत काल के बाद लगभग 11:45 से और शुरू हो जाएगा अभिजीत मुहूर्त, शुरू हो जाएगा जो लगभग 1 घंटे का होता है। तो अभिजीत मुहूर्त एक विशेष महत्व है इसका, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से, भगवान शिव को जलाभिषेक करने से, दूध की धारा से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विजयी होता है, इसीलिए इसको अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है कि विजय प्राप्त करने के लिए लोग अभिजीत मुहूर्त में भगवान शिव का जो है आराधना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दूसरी बात बता दूं मनीषा की, आज का जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र है, जो भरणी नक्षत्र पूरे दिन तक रहेगा तो जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी कमियां हैं, भक्त जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, अगर वो पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे मन से भगवान शिव का पूजा अर्चना करते हैं, उनको जलाभिषेक करते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, धतूर मदार भांग जो भी उनकी प्रिय सामग्री है उनको चढ़ाते हैं, तो उनको ये जो भी कमियां रहती है वो भर जाती है, उनके जीवन में भर जाती है। और दूसरा कृतिका नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है आज के दिन, भरणी और कृतिका नक्षत्र का दोनों का संयोग आज बन रहा है सावन के दूसरे सोमवार पर। हालांकि प्रथम सोमवार और दूसरे सोमवार लगातार 5 सोमवार जो सावन में इस बार पड़ रहे हैं, 5 सोमवार का विशेष अलग अलग महत्व है, किंतु कृतिका नक्षत्र जो माना जाता है उसको स्त्री नक्षत्र भी कहा जाता है, क्योंकि महिलाएं जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करती है, क्योंकि कलयुग में पतिव्रता महिलाएं भोलेनाथ को इसलिए प्रसन्न करती हैं कि उनके पति जो भी है वो भी पत्नी व्रत हो, उनके उनके आदर्शों पर चले, या जो भी उनके कर्तव्य, तो कृतिका नक्षत्र का महत्व भी इसीलिए बढ़ जाता है। तो महिलाएं कृतिका नक्षत्र में भी पूजा अर्चना कर रही हैं कि उनके जो पति है वो वसीभूत हो, उनके उनके प्रति जो है। तो आज सावन का महीना जो प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिवालयों में देखने को मिल रही, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के मंदिर हो, चाहे शहरी क्षेत्र के मंदिर हो। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत काल से लेकर और आगे जो अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का जो संयोग है और वृद्धि योग का जो आज संयोग बन रहा है ज्योतिष के अनुसार, उसका भी आज विशेष महत्व है। तो सावन का महीना वैसे लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल लौटेंगे, सभी सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, लगातार भक्तों को ये खास तस्वीरें दिखाते रहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। तो ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है, और आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है जिसे लेकर देश भर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आजमगढ़ से राम अवतार उपाध्याय का रुख करना चाहेंगे। राम अवतार, तो आजमगढ़ के खास मंदिरों में आज किस तरह की खास रौनक देखने को मिल रही है, क्या कुछ खास तस्वीरें? बिल्कुल परिषद, बता दो कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और पूरी तरह से जहां शिव भक्तों में काफी उत्साह है, 4 बजे भोर से ही मंगला आरती के दौरान श्रद्धालु आए और श्रद्धालुओं ने पूरी तरह से शिवालय में जलाभिषेक किया, और जलाभिषेक करने के बाद हर हर महादेव बोल बम के नारे लगाए हैं, महिलाओं का लंबा तांता लगा हुआ है, सभी लोग चाह रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ को किस तरह से प्रसन्न कर लिया जाए। कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ एक लोटा जल से ही श्रद्धा भाव से अगर आप पूजन अर्चन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो उनका निश्चित आशीर्वाद आप पर बनता है, और बाबा की कृपा जब जिस पर हो जाती है निश्चित उसके जीवन में सुखमी और समृद्धि का बहार बयार बहने लगती है। और आपको बता दूं मनीषा जी कि आजमगढ़ के अमरनाथ की बात कर ले, चाहनागंज के शिवालय की बात कर ले,
पातालपुरी की बात कर रहे, चाहे पूरे आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की शिवालय की बात हम करते हैं, तो पूरे शिवालय में महादेव के आज जलाभिषेक हो रहे हैं, रुद्राभिषेक हो रहे हैं, साथ में बाबा को मनाने के लिए हर कोई जहां पूरी तन मन और पूरी श्रद्धा और भाव से पूजन अर्चन कर रहा है। वही आपको बता दूं मनीषा जी कि हर कोई सुबह मंगला आरती के साथ ही लोग पूजन अर्चन में कतारों में लग करके बाबा को कतारबद्ध होकर के जलाभिषेक कर रहे हैं और मंदिरों को सजाया जा रहा है, कारण कि शाम को इनकी आरती भी होगी, शयन आरती भी होगी और महादेव को पूरी तरह से पूरे सावन भर में हर तरह से हर कोई, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, या युवा हो, या वृद्धा हो, हर कोई मनाने के लेकर के तरह के उपाय करते हैं। कितनी महिलाएं सोहर गाती हैं, जगह जगह अखंड रामायण का पाठ भी होता है और साथ में महादेव को पूरा बेलपत्र धान धतूरा और सब कुछ चढ़ा करके बाबा से प्रसन्न किया जाता है, तो साथ में उनके नंदी को भी प्रसन्न किया जाता है और बाबा बोले तो बड़े दयालु हैं, अगर एक लोटा भाव से अगर आपने जलाभिषेक किया तो निश्चित आप पर बाबा की कृपा बन जाएगी और बाबा की कृपा जब आप बन जाती है मनीषा जी तो निश्चित मैं आपको बता दूं कि पूरे जीवन में कभी दुख नहीं आने वाला है, कष्ट हर लेते हैं बाबा, इसीलिए तो ये महायोगी भी कहे जाते हैं, चूंकि ये शमशानी है और इन्हें हर क्षेत्र में चाहे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो बाबा उसके मात्र एक विकल्प है, इसीलिए सावन महीने में बाबा की पूजन अर्चन पूरे देश भर में ही नहीं विश्व में भी बाबा भोलेनाथ पूजे जाते हैं। आपको बता दूं कि अभी सोमवारी जल उठाने के लिए कल यहां से सैकड़ों की संख्या में कांवरिया यहां से सुल्तानगंज के रवाना हुए हैं, जिन्होंने सुल्तानगंज से जल उठा करके वहां से पूजन अर्चन करने के बाद देवघर जाएंगे और देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम का जलाभिषेक करेंगे, बासुकीनाथ का जलाभिषेक करेंगे, इसके साथ ही काशी विश्वनाथ का भी जलाभिषेक करके यहाँ पे आएगा कांवरिया का जत्था और कांवरिया जगह जगह से रवाना हो रहे हैं सुल्तानगंज के लिए, कारण कि बाबा भोलेनाथ किसी भी तरह से मान जाए तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि की बयार बहने लगी। जी मनीषा जी ठीक है, और एक बार फिर से हम फिरोजाबाद से धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र देखिए, जैसा कि आप फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद के गल्ला मंडी में एक मंदिर है रामेश्वर नाथ का, जो कि काफी ज्यादा प्राचीन भी है और काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी उस मंदिर में जाकर भोलेनाथ के 41 दिन तक दर्शन कर ले और 41 दिन तक दर्शन करने के बाद शिव की अर्चना कर ले तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसने वहां पर 41 दिन में पूजा की हो और वहां पर उनकी मनोकामना ना पूरी हुई हो, तो ये खास मान्यता है उस खास मंदिर को लेकर, तो हम चाहेंगे कि उसको लेकर भी खास जानकारी आप हमारे सभी दर्शकों तक साझा करें। जी मनीषा जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ऐसा मंदिर है गल्ला मंडी में जिसने जिसकी आपने चर्चा की है, उस मंदिर में वास्तविक 41 दिन मनोकामना भोलेनाथ जी के चरणों में लोग मांगते हैं और उनकी मान्यता उनको मनोकामना पूर्ण होती है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बहुत जो क्षेत्र है वहाँ कंजेस्टेड क्षेत्र है, उसकी वजह से वहाँ भीड़ का जो आना आवागमन होता है वो बहुत कम हो पाता है, इसलिए तमाम और भी मंदिर हैं उनमें भी लोग जाते हैं, मगर उस मंदिर की मान्यता बहुत विशेष ही है क्योंकि तमाम ऐसे आस्थावान लोग हैं जो कि आज भी वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं, और जिस तरह से बताया जाता है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहे व्यवसायी हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवतियां हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि एक बार जो 41 दिन का जो उनका सेवा मास होता है उसमें वो सेवा महीना होता है उनका दिन होते हैं उसमें वो अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जी मनीषा जी बिल्कुल, और प्रयागराज से राघवेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उनके पास लौटते हुए। प्रयागराज में भी ऐसे कई खास मंदिर है, क्योंकि देखिए प्रयागराज की नगरी तो देवों की भूमि कही जाती है, और ऐसे में अगर राघवेंद्र कुछ खास मंदिरों को लेकर चर्चा करना चाहें तो ऐसे कौन कौन से खास मंदिर हैं जहां पर आज भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा है और भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ खास जानकारियां? जी बिल्कुल मनीषा जी, क्योंकि प्रयागराज तीर्थों का राजा है इसीलिए तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, कुंभ नगरी भी इसे कहा जाता है, संगम का क्षेत्र भी है, अगले वर्ष कुंभ लगने वाला है, किंतु जो अगर सावन मास के शिवालयों की बात की जाए तो यहाँ पर विशेष रूप से मन कामेश्वर मंदिर, जो जिसका एक पौराणिक इतिहास भी है, जो यमुना जी के तट पर बसा हुआ है, वहाँ सुबह से ही लोगों की भक्तों की लंबी भीड़ लगी हुई है। और अगर बात की जाए यहाँ के पौराणिक स्थलों की शिवालयों की तो पड़िला महादेव है, बटेश्वर नाथ महादेव है, और ऐसे ही कई प्रयागराज शहर के अंदर कैसे और मंदिर हैं जो शिव भक्तों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बात करना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा मनकामेश्वर मंदिर की,
जहां सुबह से ही लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, लगातार जो है भीड़ देखने को मिल रही है। वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से पूरी नजर रखी जा रही है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और पीएसी और आरपीएफ के जवान भी लगाए गए हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है मनीषा की, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास के लिए जा रहे थे, वनागमन के लिए जा रहे थे, तो पहले वो अक्षयवट मंदिर जो बगल में किला है, संगम किनारे किला बसा हुआ है, उसके बगल में ही मनकामेश्वर मंदिर है जमुना जी किनारे, अक्षयवट में दर्शन करने के बाद जो है मनकामेश्वर मंदिर आए थे, उन्होंने पूजा अर्चना किया था। और कई जो है वृत्तांत इसके बारे में कहे जाते हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। मनकामेश्वर मंदिर में पूरा शहर से लेकर गांव के लोग भी वहां पर दर्शन पूजा अर्चना करने जाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वहां भीड़ लगी रहती है, समय भी वहां पर लंबी लंबी कतारें और भीड़ लगी है। मैं दर्शक फुटेज में देख भी सकते हैं कि सुबह से भी उसमें भीड़ लगी हुई है। तो मनकामेश्वर मंदिर के साथ साथ पड़ीला महादेव है, बटेश्वर नाथ मंदिर है, शहर के आस पास ग्रामीण इलाकों में भी और मंदिर है, किंतु विशेष महत्व जो मनकामेश्वर मंदिर का है जो जमुना तट के किनारे बसा हुआ है। तो दर्शकों को और भक्तों को बताना चाहूंगा कि यदि मनकामेश्वर मंदिर में कोई दर्शन पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव को जलाभिषेक करता है, गंगा स्नान करके उनको जो है आराधना करता है, जलाभिषेक करता है, गंगा जल से उनको जो है प्रसन्न करता है, तो भगवान भोलेनाथ मन की कामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि मनकामेश्वर मंदिर उसका इसलिए नाम रखा गया था। और इसके और भी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं हैं जिसको लेकर भी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कई ऐसे जो हर्षवर्धन थे जो कुंभ में आते थे, अपना सर्वस्व दान करके चले जाते थे, वो भी मनकामेश्वर मंदिर में आकर दर्शन पूजा करते थे। गंगा स्नान करने के बाद जो सम्राट थे, भारतवर्ष के सम्राट थे, हर वर्ष जो है कुंभ मेला में आते थे, उसके पहले वो मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना करते थे। तो सावन का महीना वैसे ही बता दिया जाए मनीषा कि एक पावन महीना है, जिधर भी आप जाएंगे सावन माह में उधर हरियाली तो नजर आएगी, किंतु जो जो एक धार्मिक जो मनोवृत्ति है, जो धार्मिक एक वातावरण जो है एक महीने तक ये रहता है, उससे पूरा आंतरिक जो शुद्धि है, जो बाह्य शुद्धि है, आंतरिक और बाह्य शुद्धि पूरी तरह से हो जाती है। तो सावन का दूसरे सोमवार में जिधर भी आप निकलिए, चाहे गांव गली मोहल्ले शहर जहां भी निकलिए, वहां पर ये ठीक बहुत है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे साथ आजमगढ़ से लगातार राम अवतार उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनसे बात लौटते हुए, राम अवतार कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह की खास व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं और किस तरह के खास रूट डायवर्जन किए गए हैं आज के खास दिन को देखते हुए? बिल्कुल मनीषा जी, आपको बता दूं कि कांवड़ यात्रा को लेकर के जिले के एसपी ने रूट डायवर्जन कर रखा है। भंवरनाथ में आपको बवाली मोड़ से ही रूट डायवर्जन, जो बड़ी गाड़ियां हैं वो शिवालय के आसपास से नहीं गुजर रही हैं, और साथ में सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सभी शिवालयों पर पुलिस के पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और कतारबद्ध होकर के किसी भी शिव भक्त को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए आजमगढ़ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और 4 बजे भोर से ही जैसे ही मंगला आरती शुरू होती है कि पुलिस प्रशासन हर शिवालय पर जाकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मुस्तैद हो जाता है, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो चाहे पुरुष पुलिसकर्मी हो, सभी लोग तैनात रहते हैं। और साथ में आपको बता दूं मनीषा जी कि सावन का महत्व इसलिए है कि इसी सावन महीने में बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक इसीलिए किया जाता है कि मंथन के दौरान जब बाबा ने विष ग्रहण किया था, नीलकंठ हो गए थे, तो उसी दौरान उन्हें काफी गर्मी हुई थी, तो उसके दौरान जैसी की मान्यता है पुराणों में उल्लेख है। और सावन का महीना एक और महत्व होता है कि पार्वती जी को भगवान शंकर की पत्नी के रूप में स्वीकार हुई थी, और इसीलिए महिलाएं आती हैं और महादेव से इस सावन के महीने में अपने अच्छे जो युक्तियां होती हैं वो अच्छे वर की कामना करती हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो अपने सुख समृद्धि की और अपने पति की रक्षा के लिए कामना करती हैं। तो इसीलिए सावन का महीना विशेष माना जाता है, और सावन के महीने में जितने भी देश के शिवालय हैं सभी शिवालयों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है, सभी लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और गेरुआ वस्त्र धारण करके शिवमय हो जाता है और पूरा वातावरण कोल पंप के नारे से और घंट घड़ियाल की गूंज से गूंजता रहता है, और साथ में हर हर महादेव और जय भोलेनाथ और कोल पंप के नारे गूंजते रहते हैं। हर के देखेंगे आप कि जितने भी शिव भक्त हैं सभी लोग मानो शिव की भक्ति में रम चुके हैं, और हर शिव भक्त बस एक ही चीज नाम लेता है कि बाबा एक सहारा है,
भोलेनाथ की शरण में रहना चाहते हैं, और चाहे युवा हो चाहे वो वृद्धा हो, हर कोई आता है और बाबा के यहाँ अपना जलाभिषेक करता है, दुधाभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है और बाबा को मनाता है। और साथ में सभी लोग यही चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ प्रसन्न रहे, और बाबा भोलेनाथ जब प्रसन्न रहेंगे तो उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा, कारण कि ये शमशानी बाबा हर कष्ट को हरते हैं। हमारे पीछे भी कभी काफी लोग हैं, सब लोग हर हर महादेव का देखिए नारा भी लगा रहे हैं। और साथ में आपको बता दूं मनीषा जी, कुल मिला जुला करके सावन एक पवित्र महीना माना जाता है, और आपको बता दूं कि मांस मछली की दुकानें भी लगभग बंद हो जाती हैं और शराब भी जो है वो कम बिकना शुरू हो जाती है, कारण कि हर कोई सात्विक होकर के बाबा महादेव की पूजन अर्चन करता है और बाबा को मनाने के लिए घर में पूजन अर्चन रुद्राभिषेक घर में भी कराए जाते हैं, मंदिरों में भी कराए जाते हैं, और आप देख सकती हैं कि मंदिरों को सजाया बजाया भी जा रहा है, कारण कि शाम को महादेव की आरती संध्या आरती भी होगी, शयन आरती भी होती है, और जिससे लेकर के पूरी तरह से संध्या आरती को लेकर लगभग हर शिवालय में आज खास तैयारियां देखने को मिल रही है। तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि श्रावण मास को लेकर देखिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो मात्र एक लोटा जल में इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो सोचिए कि जब श्रावण मास मेघों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करता है तो उन्हें श्रावण मास कितना ज्यादा प्रिय होगा। और आज सोमवार का दिन है जो कि भोलेनाथ का दिन माना जाता है, तो इसीलिए शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और तमाम जगह की अलग अलग तस्वीरों को भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।